राधे राधे, ये है डे टू इन वृंदावन विद सिस्टर। और आज सुबह सुबह जा रहे हैं बरसाना, और ये बरसाना के लिए बस जाती है यहाँ से। ये इधर है प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर से हल्का सा इधर को बस स्टैंड है, यहाँ से आपको टैक्सी भी मिल जाती है और बरसाना के लिए बस भी मिल जाती है। इलेक्ट्रिक बस है, अभी उसी में जाने वाले हैं। फिलहाल ये भूखी है, मेरे को था कि इसको कुछ खिला दूँ, पर अभी सुबह के 7 बजे और 7 बजे कोई भी रेस्टोरेंट खुला नहीं हुआ। बीकानेर सामने ही है बट फिलहाल ये बंद है। और इधर भी एक रेस्टोरेंट है, अतिथि रेस्टोरेंट करके नाम है, और ये भी बंद है। तो अभी बस आ गई है, अरे फटाफट चला जा। अरे ये बरसाना ही जा रही है, जा जा। तो अभी पहुंच गए हैं बरसाना, बरसाना का बस स्टैंड है, और मैं, मेरी बहन आ गए हैं, और हम सवा साथ चले थे और सब हुए। अगर आप भी कभी आते हैं बरसाना वृंदावन से, अगर आपको आना है तो प्रेम मंदिर के सामने से आपको मिल जाती है। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है बस सर्विस वहाँ से, और आपको लगभग मतलब रात के 8 बजे तक चलती है। मतलब मैं 8 बजे तक चलती है ये बोल रहा हूँ, आप 7 बजे का लेके ही चलिए, उतने समय तक आप बस ले लीजिएगा। अगर आपको वृंदावन वापस आना है, यहीं पर आप बस स्टैंड आएंगे और बस स्टैंड से ही आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप बस स्टैंड से बाहर निकलते हो बरसाना के, आपके पास 2 विकल्प आते हैं। या तो आप ई रिक्शा कर लो, अगर आप ओल्ड एज हैं या फिर फैमिली में साथ जा रहे हैं तो ई रिक्शा कर लीजिए, तो आप ई रिक्शा जा सकते हो। अदरवाइज पैदल जा सकते हो, यंग हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि पैदल जाइए। बहुत फास्ट में है बरसाना मामाई का मंदिर, तो हम पैदल जा रहे हैं मैं और मेरी बहन। इसलिए कुछ खाया नहीं है, मैंने कहा था खा ले कुछ, पर इसने कहा नहीं मैं खाली पेट जाना चाहती हूँ, मतलब सुच्चे मुँह जाना चाहती हूँ। तो वैसे ही यार मैंने दही खा ली, उसके बाद मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं खाऊंगा तो इसको भी लगेगा। बेटे पहली बार देख रही है एम बुलगार, देखी सिविल तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, और काफ़ी विंटेज वाइब है, और पीसफुल प्लेस है। कांगड़ लगा के देख कैसा लगेगा। हाँ बढ़िया लगेगा, ले ले दो लिए, एक अपने लिए और एक फ्रेंड के लिए। अभी यहाँ से स्टेयर केस स्टार्ट ही हो रही है, लगभग 300 स्टेयर केस है, तो इसको चढ़ के हम ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज ट्रॉली वैन भी है जो केबल कार होती है, केबल कार में भी आप जा सकते हो, वो अपोजिट साइड पड़ता है, केबल कार के थ्रू भी जा सकते हो। डायरेक्ट मामाई का मंदिर यहाँ पे है, और केबल कार आपको यहाँ पे उतारती है। मतलब जैसे इससे बाहर निकलोगे वहाँ मामाई के मंदिर जाना है, तो मुश्किल से आपको 1 मिनट ही नहीं लगेगा, इतना पास एकदम वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब एडजॉइनिंग ही है। अगर आपको अप एंड डाउन करना है तो 100 रुपीज़ लगेंगे, अगर सिंगल साइड ही आना है तो 60 रुपीज़ में आप आ सकते हो। तो हम स्टेयरकेस के थ्रू ही जा रहे हैं, और एक ये ले लिए माला और प्रसादी ले लिए, ये मामाई को अर्पित करेंगे अंदर। चले चलो चलो, राधे 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 राधे। और हाँ, अगर आप मंडे के दिन आ रहे हैं तो आपको लगभग इतना रश मिलेगा, और अगर संडे को या किसी छुट्टी के दिन आ रहे हैं तो रश बहुत ज्यादा होगा, ये आप देखिएगा आने से पहले। अभी तो शुरू ही किया है, थक गए इतने में। अरे अभी तो परिक्रमा, मैं सोच रहा था अब तू चला, थकना नहीं, आ जा आ जा आ जा आ जा, ये मैं पकड़ लूँ, अगर तेरे को पकड़ने में दिक्कत है ये पकड़ा मैं, नहीं नहीं नहीं, अरे बॉटल बैग में एडजस्ट करता हूँ, कोई ना चलो फिर चलो, राधे राधे चलो। अभी हम लाडली जू के महल के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े हैं, अंदर जा रहे हैं अब लाडली जू के महल की। जय श्री राधे। और जैसे ही आप राधा रानी के महल के अंदर जाने लगेंगे, फिर राधा रानी के चरण चिन्ह भी देखेंगे मिलेंगे। काफी लोगों को पता नहीं लग पाता बट मैं बता रहा हूँ, ये जैसे गेट एंटर हो गया आप अंदर को, मुख्य गेट तो आगे है, जैसे ही स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के आएंगे साथ ही है राधा रानी के चरण चिन्ह। वृंदावन धाम काफी श्रद्धालु आते हैं, पर बरसाना माँ माई की मर्जी से ही आ सकते हो, अगर वो आपको बुलाएंगी तभी आप आओगे। तो बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो बरसाना में दर्शन करने आते हैं। मेरी बहन पहली बार आ रही है, मैं सेकंड टाइम आया हूँ, आप अंदर जाएंगे माँ माई के दर्शन के लिए। ये देखो कितना उत्साह है यहाँ पे, देखिए बहुत ही अलग तो दर्शन हुए। आप मेरे पीछे लाडली जू का महल देख रहे हैं, यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही, पूरा परजाना धाम। ब्रजवासी जितने रह रहे हैं राधा रानी के धाम में रह रहे हैं, कितने लकी है, कृपा है मामा की। अभी राधा खाने के लिए रुक गए,
बुड्ढो ने सुबह बस लस्सी पी, उससे लस्सी पी है, अब खाना खाने लगी सुबह का। खाना खाने के बाद फिर हमें जाना है वृंदावन, फिर जाएंगे राधा रमन जी के मंदिर, फिर प्रेम मंदिर लास्ट। और फटाफट खाते वृंदावन आपसे मिलते हैं भैया। तो गुड़िया बोल रही कैमरा छीन लेगा मंकी अंदर करो। तो आ गया वृंदावन वापस, अब जा रहे हैं श्री राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। अभी कपाट खुलने में वक्त है, तो मैं और मेरी बहन अभी बैठे हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जैसे श्री राधा रमन जी के कपाट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं, फिर आके दर्शन करते हैं। कपाट खुल गए, चलते हैं अंदर। राधे राधे। तो अभी फटाफट रूम में आए हैं अपने, बस यहाँ पे बैग छोड़ने के लिए, ये बैग छोड़ दिया। साथ में राधा रमन जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, और अभी हमें जाना है प्रेम मंदिर। फटाफट निकलना है, रीजन बिहाइंड दैट, अभी हो रहे हैं 7:50 राउंड बोर्ड। फटाफट जाना है, 8:30 बजे प्रेम मंदिर बंद होना शुरू हो जाता है। आपसे आके वापस आके बात करता हूँ, अभी मैं भी बहुत होश पोश में हूँ। रेडी, लेट्स गो कमांडो, चलो। तो अभी चल रही है पैकिंग, प्रेम मंदिर से हुआ है, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, गुरु जैसा लगा वहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा, मजा आया, हुआ था तो बढ़िया लगा प्रेम मंदिर में। उसके बाद हम खाना खा लिए जाके, वो हमने खाया रस्से आश्रम में ही, आज जलेबी थी ट्रेडिशनल, उस वॉज वेरी टेस्टी। फाइनल पैकिंग कर रही है ये, मेरे को भी कर लेनी है, मेरे पास एक जीन्स है, लड़कों का तो आपको पता ही है, दो शर्ट दो जीन्स बात खत्म। अब था वैसे ही था, तो बस वही डालना है वापस से, और हाँ एक तोलिया ये डालना है, हो गया रेडी, और कल यहाँ से निकल जाएगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल भी ब्लॉग शूट होगा, कल हम दिल्ली में ब्लॉग शूट करेंगे, मजा आएगा, कुछ पुरानी मेमोरीज है, क्लॉट प्लेस में समय बीते शायद ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और राधा रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। तो ब्लॉग पॉइंट करते हैं, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।